हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल का चीला, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। बच्चे तो मूंग दाल खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से इसका चीला बनाएंगे तो बच्चे क्या बड़े सभी खाना इसे पसंद करेंगे। इसे आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक्स में कभी भी बना के खा सकते हैं और खिला सकते हैं। तो देख लेते हैं इसकी रेसिपी कि ये किस तरह से बनाया है। तो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए मैंने ली है आधी कटोरी मूंग दाल, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया था, और धोने के बाद मैंने इसे पूरी नाइट जो है इसे भीगने के लिए छोड़ दिया था। अब इसका मैंने पानी जो है निकाल दिया है। देखिए इस तरह की हो गई है। तो मैंने मिक्सी का एक जार ले लिया है, अब इसमें मैं मूंग दाल को डाल दूंगी। और साथ में इसमें डाल रही हूँ मैं 4 से 5 लहसुन की कलियां, एक मिर्च ली है हरी बड़े वाली, एक टुकड़ा लिया है अदरक का, और लिया है मैंने धनिया पत्ती। अब इसे इसमें डाल देंगे इस तरह से, और धनिया पत्ती को भी इस तरह से कट करके हम इसमें डाल लेंगे। तो मैं डाल रही हूँ इसमें सफ़ेद वाला नमक 1 टीस्पून के करीब, और साथ में डाल रही हूँ मैं इसमें मैगी मसाला, तो इसको भी इसके बीच में हम डाल देंगे। इससे इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अब इसे ग्राइंड कर लेंगे, इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो मैंने इसे 1 मिनट के लिए इस तरह से ग्राइंड किया है। अब जो पहले वाला पानी था वो इस तरह से गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा 2-3 चम्मच पानी डालूंगी ताकि इसका अच्छे से पेस्ट बन जाए। बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं ऐड करना है। तो देखिए इस तरह का पेस्ट बन चुका है, इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया क्रिस्पी बने इसके लिए लिया है मैंने 2 छोटे चम्मच अरारोट। इसकी जगह पे आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, और इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे इस तरह से। इस तरह के ब्रेकफास्ट को आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बड़ों को भी, और मॉर्निंग इवनिंग स्नैक्स में कभी भी बना के खा सकते हैं, क्योंकि मूंग दाल का है तो बिल्कुल हेल्दी ऑप्शन है। तो इसमें मैं हल्का सा पानी डाल दूंगी और इसे हम अच्छे से साफ कर लेंगे। मैंने नैपकिन लिया है, इससे मैं साफ कर लूँगी इसे। तो इसमें थोड़ा सा मैं रिफाइंड ऑयल इस तरह से डाल दूंगी, और इसे भी इस तरह से हम इसमें लगा लेंगे। तो हमने जो बैटर बनाया था अब इसे इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से, और इसे इस तरह से फैला लेंगे। तो ऊपर से देखिए इस तरह का सूख चुका है। अब इसमें मैं लगा रही हूँ रिफाइंड ऑयल हल्का हल्का, अब इसे हम इस तरह से साइड से निकाल लेंगे। इस तरह से तो देखिए जी इस तरह से ये हो चुका है। अब इसे हम पलट लेंगे। इस तरह से देखिए कितना क्रिस्पी बना है, और खुशबू तो इसकी बहुत ही बढ़िया आ रही है। तो इसमें हल्का हल्का ऑयल और लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए और एकदम क्रिस्पी बने। तो इस तरह से बन चुका है हमारा मूंग दाल का चीला। अब इसे हम उठा लेंगे, देखिए
इस तरह से। तो इसी तरह से अब हम सभी चीले द्वारा बना लेंगे। तो देखिए जी, हमारे सभी चीले जो है बनके तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और साथ में बेल का बटन है उसे दबाइएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए जी, अब मैंने सर्व किया है इसे दही के साथ। आप इसे चटनी, सॉस या चाय, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, जिसे आप पसंद करते हैं। तो खासकर तो ये दही या रायते के साथ ही बहुत बढ़िया लगता है। आप भी इस तरह से चीला बनाइए, खाइए और हेल्दी रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।